और किसी संप्रदाय की हमने कृपा नहीं, किसी किसी संप्रदाय में ठीक हुए ग्रंथ है जिनको आचार्य ने लिखा है, लेकिन हमारी संप्रदाय में इतने ग्रंथ है, हमारी संप्रदाय को साक्षात गोलोक वृंदावन से राधा रानी अपना निकुंज मंदिर को ढूंढता है, पूरा निकुंज मंदिर को। हमारे संप्रदाय में जितने ग्रंथ हैं, हमारे संप्रदाय में जितने साधु, हमारे संप्रदाय में जितने ठाकुर, और कहीं वृंदावन में जाओ देखना, हमारे सब ठाकुर हमारे, और किसका है पूरा वृंदावन तो हमारे ठाकुर चारी तरफ से पूरा सकल करके बैठे हैं। पूरा वृंदावन में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर, राधा हैं, राधा वल्लभी हमारे ठाकुर हैं, हमारे ठाकुर हैं, क्योंकि ठीक हरिवंश प्रकट किया तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का ही वो शिष्य थे, इसलिए वो हमारी संप्रदाय की राधा जो विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो ठाकुर श्रीनाथ जी है उनको किसने प्रकाशित किया, चलो कोई किसने किया बस किसने किया हाँ माधवेंद्र कुल, उनको माधवेंद्र कुल प्रकट किया जो महापुरुष गुरु जी के श्री गुरु जी ने श्रीनाथ जी ने, वो हमारे ठाकुर ही है, सब हमारे ठाकुर ही है। वृंदावन में जितने सारे ठाकुर हमारे ठाकुर जी हैं, इसलिए और जितने ग्रंथ हैं संप्रदाय में, इतने ग्रंथ के भंडारा और किसी संप्रदाय में नहीं। हमारे एक एक गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो ग्रंथ लिखा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कितने लिखा, रूप गोस्वामी ने कितने लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितने लिखा, प्रभुपाद ने कितने लिखा, हमारे गुरु जी ने कितने लिखे, जीव गोस्वामी एकदम ग्रंथ भी हमारे संप्रदाय में झरी है हमारे संप्रदाय में। इसलिए नियम है कभी कभी इन ग्रंथों को पढ़ा, हमारे गोस्वामियों ने इतने परिश्रम करके ग्रंथ से लिखे हैं, लेकिन अभी वो ग्रंथों को हमें थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए, हमारे गोस्वामी को क्या क्या लिख कर गए, क्या क्या लिख कर गए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये ग्रंथों को लिखे जिसका नाम माधुर्य कादम है। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये माधुर्य कादमि का मतलब क्या, माधुर्य मतलब मधुर मीठा है, मीठा है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान की चार विशेष करके उनका मीठा है, क्या क्या है बताओ, उनका एक मीठा इसी रूप माधुर्य है, एक वो जितने सुंदर है जगत में और उतना सुंदर जगत में कोई नहीं। दूसरे माधुर्य क्या है, उनकी वेणु माधुर्य है, कहते त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकुजित, जिस बंसी को द्वारा भगवान त्रिभुवन को मोहित कर लेते। तीसरा माधुर्य क्या है, लीला माधुर्य में उनकी जितने मीठी मीठी लीला प्रभु ने की, और भगवान तो लीला की है लेकिन इतने मधुर लीला किसने नहीं किया है, भगवान होकर के सखाओं का जुटन करना, कोई भगवान पाए, भगवान होकर के मैया की बंधन, अभी तो कोई भगवान बंधे कोई बंधे, भगवान होकर के गोपियों के चरण में अपना लीला मान, राधा जी के चरण में बंसुरी रख लेना, राधा जी के चरण में मयूर मुकुट रख लेना, और माधा राधा रानी के चरण में अपना सर भी कभी रख लेना, और कभी कभी राधा जी के चरण की सेवा भी प्रभु कर लेते हैं। इसलिए कोई भगवान ने किया, राम ने किया है, नरसिंहदेव ने किया है, वामन देव ने किया, किसने ये सब काम नहीं किया। इसलिए भगवान की चरम अवस्था को, भगवान
भगवता की चरम अवस्था को प्राप्त करते हुए भी भगवान अपना जो भक्तों का ऋणी को जो स्वीकार किया है और किसी भगवान ने नहीं किया, और उनको जो सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा लीला है, कहते श्री रास लीला है, प्रभु की ये रास लीला है। किसने रास रचे अभिनय को, रास अकेला कन्या है, रास रचे अकेला कृष्ण है। इसलिए और उनकी जो चौथा माधुर्य है, कौन सा माधुर्य है, हो गया तीन हो गया, और कौन सा माधुर्य है, इनकी चतुर्थ माधुर्य इनकी प्रेम माधुर्य है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रेम माधुर्य, उन्होंने दो उदाहरण दिया, क्या दो उदाहरण दिया बोलो, मतलब क्या उदाहरण, दो उदाहरण दिया बोलो, एक है उनकी रासलीला है, ब्रह्मा का एक रात तक उन्होंने रासलीला, ब्रह्मा की एक रात तक, लेकिन गोपियों को क्या लगा, जैसे अभी अभी आए और अभी अभी खत्म हो गया, अभी अभी खत्म हो गया, मतलब भगवान की ऐसे प्रेम में 1000 चतुर्युग, हाँ 1000 चतुर्युग भी जिनको सामने एक मुहूर्त जैसे लगा, कहते ये एक है। दूसरे माध्यम क्या है, दूसरा क्या प्रेम माधुर्य जो उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचरण करते हुए आते, सब याद रखना सकते, इसलिए हम लोग सब पुराण हो गए, इसलिए कृष्ण जब गोचरण करते हुए आते हैं, जब कृष्ण मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं, अभी बंसी ध्वनि सुन करके सबके सब गोपियाँ बाहर निकल आती और कृष्ण को दर्शन करती, दर्शन करते समय मानो कृष्ण का मुखमंडल किया, बोले कि कमल है, उनका जो घुंगड़ा लिख कैसे किया, मानो सुनने मधुमो के बैठे गैया का कूर से जो घोल उठा वो क्या है, जैसे पाउडर लगा, जैसे पाउडर लगा है, ऐसे लिखता है। लेकिन जब कृष्ण को दर्शन करती हैं गोपियाँ, उनकी आँखों का जो पलक झपकती है, बोले त्रुटि जुगा देवाम मपस्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम श्री कृष्ण, एक पलक झपते समय पता नहीं चलता पलक कितनी जल्दी झपती है, लेकिन उतना समय भी गोपियों को लगता है करोड़ काल बीत गया कृष्ण को दर्शन के वक्त। इसलिए कभी कभी वो विधाता को निंदा करते हैं, विधाता तो सृष्टि करना जानता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर हैं लेकिन दर्शन करने के लिए तो करोड़ों हाथ नहीं दे दिया, दो ही दे दिया और उसमें पलक झपते रहते। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, कोई लोग रसी के कहते पलक काट देते हैं, फिर क्या हो, ऐसे कृष्ण को एकदम, हाँ कृष्ण को एकदम पूरा टक्कर लगा करके कृष्ण को हम दर्शन करते रह जाए। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ग्रंथ का नाम क्या है, माधुर्य कादम्बिनी। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी मतलब भगवान की जो माधुर्य जो मधुरता, कादम्बिनी मतलब क्या है, मेघ वर्षा लो मेघ। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, मेरे हृदय क्या है, जैसे एक मरुभूमि में, जैसे मरुभूमि में जैसे एक वृक्ष हो, है अगर बारिश नहीं हो तो क्या होता है, फिर वो सूख जाती है, लेकिन जब बारिश होती है फिर क्या होता है, फिर पेड़ चट जाते हैं, फिर उसमें चेतनता, उसमें फिर प्राण संचार आ जाती है। उसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये वैष्णव का दैन्य है, ये वैष्णव का दैन्य है। इसलिए वैष्णव के अपर का नाम दैन्यता, मतलब जिसकी अंदर में जितने भक्ति आएगी वो इतना घमंड नहीं बने, वो अपना दीन नहीं मानेगा, जैसे नम्र तीन फल में वृक्ष, जैसे जिस पेड़ में ज्यादा फल हो जाए फिर क्या होता है बताओ, तो पेड़ सूख जाता है, और जिसमें फल नहीं होता क्या होता है, मतलब है जिसके हृदय में इतने भक्ति की भावना आएगी समझना वो उतना ही झुकेगा, उतना घमंड नहीं आएगा, अभिमान नहीं आ रही हम ऐसे, हम ऐसे। राधा रानी जैसे कोई बड़ी भक्त हो सकता है, राधा रानी क्या कहती है, मेरे अंदर में तो प्रेम की गंध,
है, मेरे हृदय में प्रेम की गंधक कभी नहीं। इसलिए जितने गोस्वामी लोग हुए, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं याद है कौन बोले, कहते पूरी से ठीक है इससे मुई से लगिष्ठ जगाई मकाई रही थे मुई से पापिष्ठ। वो कहते हैं विष्टा के जो कीड़े होते हैं ना, तो वो कीड़े शरीर में चला गया है, फिर जगाई माधाई गई थी इतने बड़े कोई पापी नहीं हो सकते, बोलने इतने पापी किए, इतने पाप किए थे, जमदूत जा करके जब बोलते थे चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त दंड लेकर मारने होते थे, बोले दो व्यक्ति कभी इतने पाप कर सकते हैं, एकदम घर भर गया पाप लिख कर, बोले हे भगवान इतने करोड़ों काल तक इनको नर्क भोगना पड़ेगा, इतने पाप ये दो व्यक्ति कर सकते हैं है? लेकिन वो कहते हैं जगाई माधाई से भी ज्यादा में पापिष्ट मोर नाम गए देखार तार पाप है, मेरे जान नाम को जो लेता है ना उसका सारे पाप नष्ट हो जाता है, मोर नाम सुने के तार पुण्य है, मेरे नाम को जो सुनता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, नष्ट मरी हो जाते। कौन कह रहे हैं बात को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बात को कह रहे हैं। इसलिए विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की भक्ति की एक दीनता है, भक्ति की एक स्वाभाविक ये भक्ति है, ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती गुरु जी हम तो दीनहीन पतित बाप, लेकिन समय आने पर अपना रूप दिखाते गए, हम साधारण हैं है? हम तो साधारण समझ रखे हो, अरे हम इतने लिखे बड़े इतने काम करते हैं, हम बहुत बड़े घर से आ रहे हैं है? हम तो साधारण समझते हैं हमारे घर में सारी चीजें, इसलिए ऐसे नहीं हर समय क्या होनी चाहिए, ये भक्ति आने पर ये स्वाभाविक होता है, अब भक्ति नहीं आने पर ना वो कपटता हो जाता है, वो कपटता हो जाती है, भक्ति आएगी तो ये स्वाभाविक रूप में तभी होगी, नहीं तो वो कपटता हो जाएगा, अपना टाइम ही आने पर अपना स्वरूप को फिर वो दिखा देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं ये ग्रंथ का नाम माधुर्य गादन है, क्यों कारण यही है हमारा हृदय भी सुखा हृदय, हमारे हृदय में भी बड़ी सुखा हृदय है, इस हृदय में है कोई भगवान भक्ति की रस नहीं, लेकिन ये जो माधुर्य का आदरणीय ग्रंथ है तो अगर इसकी बारिश ही अगर इसके हृदय में पड़ जाए ना, कृपा हो जाए ना, वाह उसका हृदय क्या हो एकदम हरा भरा हो जाए, उसके हृदय एकदम हरी भरी हो जाए, मतलब क्या, अगर ये ग्रंथ को कोई श्रवण करेगा, यदि ग्रंथ को अगर कोई सचमुच से कोई ग्रंथ को श्रवण करे, हमारा हृदय जो भक्ति से विहीन है, भक्ति है ही नहीं हृदय में, कभी हमारे हृदय में भी निरस हृदय में भी ये सरसता प्राप्त होगा, एकदम आप भजन में लग जाओगे, क्यों आपको पता चलेगा नहीं भक्ति के अमुक स्थान पर अभी है, हमारी भक्ति अभी बढ़ी नहीं, हमारे तब श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए श्रद्धा का भी डेफिनेशन देते हैं, एक लौकिक श्रद्धा और एक होता है शास्त्रीय श्रद्धा, कहते हमारी जो श्रद्धा है वो लौकिक श्रद्धा है, ये लौकिक श्रद्धा केवल थोड़ी श्रद्धा है, लेकिन थोड़ी सी अगर झोंक आए ना फिर तो पता नहीं श्रद्धा बदला कहीं उड़ जाती है। एक दिन गुरु जी कह रहे थे, बोलते देखो इसलिए गुरु जी के पास बहुत भक्त लोग आए हैं, गुरुदेव कहते थे इसलिए तुम लोग मेरे पास में आए हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी मीठी मीठी बात करता हूँ, घर की बात पूछ लेता हूँ थोड़ी सी है, तो उनको प्यार देता हूँ तभी आ गए, अगर मैं सही सही बात बताऊँ ना डांट लगा ना सब भाग जाती है, खेल यहाँ पर एक भी दिखाई नहीं पड़ेगी, सबके सब तो यहाँ से सबके सब भाग जाओगे, यहाँ से कोई भी एक दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरु वैष्णव बड़े दयालु हैं, वो चाहते धीरे धीरे जी धीरे 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 भगवान की तरफ में बढ़ते रहे, अगर गुरु वैष्णव अगर हमें प्रेम नहीं करेंगे फिर तो हम थोड़ी बहुत जो कहते हैं वो भी भक्ति हमारी खत्म हो जाएगी, इसलिए गुरु वैष्णव बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा हुई प्यार लाड दे करके हमें किसी तरह से भजन में हमें लगाना चाहते हैं। इसलिए विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कहते वो जो महामाधुर्य का आदमी वो क्या चीज है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा,
इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं रस्सी की शिखर कृष्ण परम पद है तुतार बिलाल कुतुजा। कहते कृष्ण कौन है, महाकृष्ण कौन है, बोले रस्सी की शिखर। रस्सी की शिखर मतलब क्या, कहते रस के चुड़ान है और रस स्वरूप है। उनका काम ही रस आस्वादन करना है, उनका काम ही रस आस्वादन करना है। और क्या, बोले परम करुण कपड़े तैयार हुए हैं और रस के शिखर और परम करुण बड़े दयालु। कहते दयालु बने का नाते कृष्ण क्या किया कलियुग में है, कलियुग में उन्होंने श्री राधा जी के भाव और श्री अंग कांति को लेकर के महाप्रभु कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण आए और आकर के क्या किया, सब जीवों को पर उन्होंने कृपा की, सबको प्रेम प्रदान की। जो प्रेम ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो प्रेम को प्रदान करते हैं, इसलिए कि तो प्रेम क्या है, इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर एक सुंदर कीर्तन करते हैं। वो कीर्तन क्या है, हैं वो कीर्तन कहते हैं हे मान गौरांग बिना नानियार है नावतार अबे की वैसे है न प्रेम पर चार दुरमती अति पतित पासली प्राणी न महालील करे हरि नाम दिया हृदय सुधिल जाचिया घरे घरे ए मान गौरंग बिना नहीं आ। तो कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में कोई है ही नहीं। कहते ऐसे अवतार कभी तुमने देखा है, हैं तुमने कभी देखे हो, चंडाले ब्राह्मणी करे कोला कोली कवे वासी लये रगा। वो कहते हैं पहले क्या नियम था, जो ब्राह्मण लोग ऐसे होते थे ना, ब्राह्मण लोग जो शूद्र लोग जो पहले होते थे हैं, उनका परिचय चुन लिया तो स्नान करते थे, हम अपवित्र हो गए। वो हाथ में घड़ी पहन कर जूता पहन कर घूम नहीं सकते थे हैं, उनको बड़ी दूर छुटकार करते हुए उनको दूर करते थे। लेकिन जब महाप्रभु आए सबको उन्होंने गला लगाया, उनको गले में सबको लगाया, छोटे से छोटे जाति से उच्चे से श्री उच्चे जाति व्यक्ति को हरिदास ठाकुर कौन सा जाति में आए बता, कौन से जाति हैं यमन कुल में आए। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, उनके जब आप प्रकट होंगे महाप्रभु को गोद हुए थे, ताजी कौन सा जाति में आए हैं कभी जबल कुल में महाप्रभु उनको भी गोद में लिए। देखो केवल इसलिए काजी समाज में ना केवल महाप्रभु दो व्यक्ति को गोद में उठाए, इसलिए दोनों ही मुसलमान, ये दोनों ही मुसलमान हैं। मतलब महाप्रभु शिक्षा देते हैं जय भजे सही बड़ा अभक्त ही इंसान, जो भजन करता है वो बड़ा है, हैं जो अभक्त ही और चार है, हैं इसलिए महाप्रभु भजन को ही ज्यादा महत्व श्रीमन महाप्रभु ने दिया है। इसलिए इसमें कहते हैं कभी तुमने ऐसे अवतार देखे हो जो दरवाजा दरवाजे में जाकर भीख मांगे, कृष्ण गए राम गए नहीं, महाप्रभु गए दरवाजा दरवाजा में जाकर भिक्षा मांगे। एक क्या भिक्षा मांगे, बोले बोलो कृष्णा भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो भज कृष्ण की भजन करो और शिक्षा पाना तो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करो। इसलिए भगवान दरवाजा दरवाजा में जाकर के सबसे कृष्ण प्रेम के उन्होंने भी कृष्ण महाप्रभु मांगे और जगत को उन्होंने दिया दिया है। बोले ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जो प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु वो दोनों प्रेम को कैसे दिया, बोले आसान ब्रह्मा नारद जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले पिताजी ब्रह्मा जी 7,000 साल तपस्या किया। नारद जी ने पूछा प्रभु पिताजी आप इतने 60,000 साल ये क्यों तपस्या की,
ये गोपी भाव को पाने के लिए क्यों किए 60,000 साल। तब ब्रह्मा जी कहते बेटा कि जो गोपियाँ हैं ना ये कोई स्त्रियाँ नहीं है, ये कोई स्त्री नहीं है, ये राधा जी की कायत देव है, राधा जी की ये स्वरूप है बेटा, ये साधारण ये गोपियाँ नहीं है। शंकर जी गोपीश्वर बने, गोपी बने, नाल ब्रह्मपुंड में स्नान किया, कुंज में बैठे, लेकिन उनको भी निकाल दिया। लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रही है, उद्धव जी घास बन करके अभी भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेम को पाने के लिए इतने कष्ट किया ना, लेकिन श्रीमद महाप्रभु कभी ये प्रेम को उन्होंने आसानी से दिया, बोले ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बोले ताली, बोले ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, क्या करो पर इसे ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बस हो गया, बस इतने से तुम्हारी हो गया, और ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं। इसलिए श्री इसलिए एकादश करने में बताया देवता लोग भी स्वर्ग के देवता लोग भी बोले देवता की बात छोड़ दो, सत्य तृतीय द्वापर युग का लोग भी कलयुग में महाप्रभु की धारा में आकर के महाप्रभु की भजन करना चाहते, बोले क्यों, बोले थोड़ी सी साधना से हमें वो ब्रज प्रेम राधा रानी की निकुंज सेवा मिलेगा। इसलिए जो आप लोग हैं ना तिलक कंटिनारी सब कौन हो गया, कौन है तुम, सब बड़े बड़े देवता देवता नहीं उनसे ही बड़े, सत्य तृतीय द्वापर युग में सब आए, कृष्ण का समय भी आए, राम का समय भी, सब सत्य युग में आए हो, अभी तुम लोग इंसान बन करके कंठी तिलक लगाए हो, मतलब आप लोग सब बड़े बड़े देवता आपसे भी बड़े हैं। ये भागवत भी खुद कहता है, ये भागवत ही बात को खुद कह रहा है, ये भागवत स्वयं कहता है। इसलिए कलयुग में ये सबके सब महाप्रभु की धारा में आएंगे, हैं महाप्रभु की धारा में आएंगे। इसलिए कहते जो महाप्रभु की जो कृपा ऐसे बोले कृष्ण प्रेम आए से जाए दूर दर्शन, अगर महाप्रभु दूर से जिसको केवल दर्शन कर लिए वाह कृष्ण प्रभु, केवल उसको दूर से दर्शन किया है, बोले दूर से नहीं, जब महाप्रभु कभी उन्होंने समुद्र को यमुना मान करके जब गंभीरा में रहते थे, राधा जी की भाव से समुद्र को यमुना मान कर छलांग लगा, अभी भक्तों लोग देखे कहीं नहीं महाप्रभु गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रामानंद सर्वों को भटकता जो, बोले महाप्रभु गए कहाँ, महाप्रभु ढूंढ रहे हैं कहाँ, ढूंढ जगन्नाथ बल्लभ वाटिका ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जगन्नाथ जी मंदिर के सामने ढूंढ रहे हैं, श्री सुंदराचल हैं कुंडिचा मंदिर, क्योंकि महाप्रभु नहीं है पर जाकर गिर करके रात को कभी हाँ राधा जी भाव में ग्रंथ के अलग हो जाता था, कभी कछुए रूप कभी बड़े बड़े रूप लंबे रूप धारण करते हुए पड़ते थे, लेकिन महाप्रभु वही नहीं, फिर समुद्र किनारे में गए, समुद्र किनारे में घूमते घूमते देखा एक मछुआरा, हाँ बोले हरि बोल भूत हरे कृष्णा भूत 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 के बोल रहा, बोले भैया स्वर्गदात्र आया ढूंढ रहे थे, बोले तो उल्टा है हरि बोल भूत, मतलब जिसका अंदर में भूत लगना वो हरि बोल नहीं बोल सकता, क्योंकि हरि बोल बोलते भूत भाग जाते हैं, भगवान का नाम लेने पर भूत भाग जाते हैं, लेकिन ये उल्टा हरि बोल हरे कृष्णा भूत भूत समझ गए काल काला लगता है महाप्रभु यहीं पर, बोले क्या बात है, बोले वहाँ पर भूत है वहाँ पर, क्योंकि मैंने जाल फेंका था मछली के लिए, जाल मैंने मछली के लिए फेंका था, लेकिन महाप्रभु ने राधा भाव से विवाहित होकर के जगन्नाथ पुरी गए हो समुद्र में नहाया हो, अब देखना जब समुद्र में नहाओगे ना लहरियाँ ऐसे आती हैं, लेकिन जब पानी देखना अक्सर करके ऐसे 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 जाए, अब अगर जाओगे देखना जो धारा है लहरिया तो ऐसे आएगी, लेकिन वो पानी तुम्हें ऐसे 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 ले जाएगी, बोले कहाँ, बोले उस तरफ में सूरज कुंड है, उस तरफ में सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर गए कोणार्क मंदिर गए
गए हो कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर सूर्य देव का मंदिर है। कहते वो महाप्रभु छलांग लगाए कहाँ पर, स्वर्ग द्वार में, लेकिन महाप्रभु धीरे धीरे जहाँ पर हमारी मंदिर है ना, जहाँ पर गुरु जी ने मंदिर बनाया, कहते वो महाप्रभु को ऐसे ऐसे लेने जा रहा था। बोले किस भाव है, जैसे राधा रानी जटिला कुटिला को बहाना बना करके मैं सूर्य पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन सूर्य पूजा करने थोड़ी जा रही थी, तो जा रहा थी श्याम सुंदर से, और मिलने के लिए श्याम सुंदर से जा रहे हैं। समझ में गया कितना बजे से बीस में, हाँ क्या, हाँ ठीक है तुम चले जाओ, चले जाओ अभी हम पाँच मिनट के, इसलिए मोबाइल इसलिए महाप्रभु उसी भाव से, राधा जी के भाव से, मैं सखियों के साथ में सूर्य पूजा करने जा रहे हूँ, सूर्य पूजा नहीं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, इसी भाव से महाप्रभु वो पानी की धारा से धीरे 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 जा रहे थे, और मछुआरे ने फेंका जाल और महाप्रभु जाल में आए। लेकिन महाप्रभु जब जाल में आए, महाप्रभु राधा जी जो चरम जो प्रेम है, जो महाभाव में राधा रानी डूबी हुई है, वो केवल जाल को स्पर्श किया, वो जाल जली को स्पर्श किया, लेकिन इसके अंदर में भी कृष्ण प्रेम आ गया। हरि बोल, हरे कृष्ण भूल भूल, महा स्वर्गदा मदर समझ रहे, जाल में कुछ डाला, एक थप्पड़ लगा, एक थप्पड़ लगा के भूत उतर गया, हाँ इसका भूत उतर गया। बोले क्या बात है, बोले वहाँ पर भूत, बोले चलो हम चलते हैं। जाकर देखा सचमुच से श्री महाप्रभु एकदम जैसे मांस पिंडला है ना, ऐसे कछुआ का जैसे रूप महाप्रभु धारण किए, और मुंह बंद में छा मुंह शब्द हो रहा है, मतलब जो प्रेम का जो लक्षण है ना, अगर कई इसको अंदर में पूर्ण रूप में देखा है ना, किसने श्री महाप्रभु का राधा जी की प्रेम है महाप्रभु के अंदर में, फिर वही प्रेम ही जो जगन्नाथ जी है, कौन है जगन्नाथ जी, वही राधा भाव से ही संक्रामित होकर के जगन्नाथ जी में भी धीरे धीरे उनका शरीर हाथ प्यार भी पिघल गया इनके शरीर है। इसलिए महाप्रभु जब महाप्रभु जैसे महाप्रभु कृपा है, दूर से भी जाल का स्पर्श से भी अगर स्पर्श हो गया तो जीव कल्याण। महाप्रभु जब झाड़ी खंड में जा रहे थे हैं, उस समय शेर लेटा हुआ, महाप्रभु का चरण लगा दिए, बोलो हरे कृष्ण, शेर भी हाँ खड़े होकर के हरे कृष्ण बोलने लग गया। हाथी को देखे हैं, सांप को देखे, हिरण को देखे, जिसको देखे है ना महाप्रभु सबको प्रेम देते, सबको सबके सब महाप्रभु के साथ में नाचते 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 सब सब हरे कृष्ण बोल रहे थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो माधुर्य कादंबरी क्यों की ग्रंथ का नाम पड़ा, क्यों पड़ा, कहते ये कृष्ण प्रेम ही यही माधुर्य है, कहते ये प्रेम को दिया जगत में किसने, बोले श्रीमान महाप्रभु ने जीवों को ये प्रेम दिया। इसलिए श्री भक्तिमठ ठाकुर कहते हैं दयाल नीताए चैतन्य मुदले नाचरिया मारमान, नाचरिया मारमान, नाचरिया मारमान, हे मन दयाल तनई हे मार के प्रेम दे, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम दर, दयाल नीताए चैतन्य मुदले नाचरिया मारमान है। इसलिए उन्हें मार खा करके भी जीवपुर ने प्रेम दिया, बोले इस दयाल देखे हो तो जो मार खा करके भी जीवों को प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए केवल श्रीमद महाप्रभु, इसलिए इसका नाम माधुर्य कादंबिनी, महाप्रभु ने जो राधा जी के प्रेम को, कृष्ण प्रेम को जो बरसा दो रूप में जो जीव को हृदय में है। और वहाँ पर और एक बात कहते हैं, जैसे बारिश हो, जिसका जड़ होना जैसे वृक्ष उसका जड़ सूख गया, लेकिन बारिश करने पर क्या होगा, फिर हरी भरी हो जाती है, लेकिन अगर जड़ भी अगर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो कहते महाप्रभु का कृपा ऐसे है ना, जैसे रक्त
राबड़ी बट रही है, नहीं तो कोई रसगुल्ला बट रही है, हैं? आप पात्र लेकर के आओगे तब तो लेकर के जाओगे, लेकिन महाप्रभु ऐसे दयालु है, वो पात्र भी देते हैं और रसगुल्ला भी देते हैं, वो पात्र भी देते हैं और तुम्हें रसगुल्ला भी देते हैं, दोनों ही वो चीज प्रदान करते हैं। मतलब महाप्रभु ने जो पति जो पति व्यक्ति को उन्होंने उसको परमे जिसके हृदय में कोई नहीं, महाप्रभु वो निरस हृदय को भी सरसता प्रदान कर देते हैं, उसको हृदय में भी प्रेम में भर देते हैं, उसको ऊपर में भी महाप्रभु पात्र भी देते हैं और उसको प्रेम भी देते हैं। लो पात्र भी लो और तुम प्रेम भी लो, जिसके हृदय में कुछ भी नहीं है महाप्रभु उसको ऊपर में भी, जैसे लता पता वृक्ष पशु पता उनके हृदय में क्या है, कुछ है ही नहीं, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, उनको ऊपर में भी महाप्रभु ने कृपा की है। इसलिए इन्होंने ये ग्रंथ का नाम क्या रखा, क्या रखा ग्रंथ का नाम, माधुर्य कादंबिनी, इसलिए रखा हमारे हृदय भी, इसलिए श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं हमारे हृदय भी सुखा हृदय है, हमारे हृदय इसलिए ये ग्रंथ का नाम माधुर्य कादंबिनी उन्होंने रखा है, समझ गए कि नहीं, क्यों माधुर्य कादंबिनी।